हाय फ्रेंड्स, आई एम संचिता एंड यू आर वाचिंग शॉर्ट टाइम सीक्रेट। तो फ्रेंड्स, कलौंजी के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे, क्योंकि कलौंजी एक ऐसे मसाला है जिसको हम अक्सर खाने में इस्तेमाल करते हैं। पर फ्रेंड्स, साथ ही कलौंजी में कुछ ऐसा खास क्वालिटी होता है जिस वजह से ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, और ख़ास करके ये हमारे गंजेपन को दूर करके हेयर रीग्रोथ में हेल्प करता है। और साथ ही कलौंजी के इस्तेमाल से आप बेदाग और ग्लोइंग स्किन भी पा सकते हैं। पर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले कलौंजी को सही तरीके से इस्तेमाल करने का अलग अलग तरीका जानना होगा, जिससे आप कलौंजी का पूरा फायदा ले सकते हैं, बालों को सबसे जल्दी लंबे घने बनाने के लिए और स्किन को बेदाग और ग्लोइंग बनाने के लिए। तो या गाइस, चलिए जल्दी से वीडियो को देख लीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को देख लीजिए। तो हमारा पहला रेमेडी है कलौंजी हेयर ऑयल फॉर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ। तो कलौंजी से हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक ब्लेंडर में 1 टेबलस्पून कलौंजी यानी कि ब्लैक क्यूमिन सीड्स और 1 टेबलस्पून फेनोग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना लेना है, और फिर इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। और जब ये ग्राइंड हो जाए, तब आप कलौंजी और मेथी के पाउडर को एक ग्लास कंटेनर में निकाल लीजिए, और फिर इसमें एक एक करके 50 ml नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल और 20 ml कैस्टर ऑयल ऐड कर दीजिए, और फिर इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद इसे एयरटाइट करके 2 से 3 हफ्ते के लिए किसी भी सनलाइट एरिया पे ऐसे ही रख दीजिए, ताकि इसमें रहने वाले ब्लैक क्यूमिन सीड्स और फेनोग्रीक सीड्स का जो गुड न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर्टी से वो इस ऑयल में अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए और हमारा एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल रेडी हो जाए। तो 2 से 3 हफ्ते बाद हमारा एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल तो रेडी हो जाएगा। तो अब आपको इस ऑयल को स्ट्रेन करके कंटेनर में स्टोर कर लेना है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले इस ऑयल को थोड़ा सा लेकर हेयर स्कैल्प को अच्छे से मसाज करना होगा, और फिर मसाज करके इसको आप अपने हेयर पर ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, और मॉर्निंग पे आप किसी भी हर्बल शैम्पू और कंडीशनर से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आप इस ऑयल को हफ्ते में 2 से 3 बार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी और फेनोग्रीक सीड से बना हुआ इस ऑयल में बहुत अच्छे अच्छे गुड न्यूट्रिएंट्स और कंपाउंड होता है, जो स्पेशली गंजेपन को खत्म करके न्यू हेयर रिग्रोथ करने में हेल्प करता है, और साथ ही ये हेयर फॉल को भी कम्प्लीटली बंद कर देता है। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आप इस ऑयल को हफ्ते में 2 से 3 बार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हमारा सेकेंड रेमेडी है कलौंजी फॉर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ मास्क। तो अगर आप कलौंजी से हेयर ग्रोथ मास्क बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बोल में 1 टेबलस्पून कलौंजी का पाउडर लेना है, फिर इसमें 1 टेबलस्पून फेनोग्रीक सीड्स यानी कि मेथी का पाउडर, और लास्ट में थोड़ा सा कोकोनट मिल्क ऐड करके सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब आपको इस पेस्ट को लेकर पूरे हेयर स्कैल्प पर अप्लाई कर लेना है, और इसे अप्लाई करके 1 घंटे के लिए रख देना है, और 1 घंटे बाद आप किसी भी हर्बल शैम्पू और कंडीशनर से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। और बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आप इस हेयर मास्क को हफ्ते में 1 बार करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारा थर्ड यानी कि लास्ट रेमेडी है कलौंजी फॉर स्पॉटलेस ग्लोइंग रेडिएंट स्किन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा कलौंजी लेकर उसका फाइन पाउडर बना लेना है, फिर आपको एक बोल में 2 टेबलस्पून कलौंजी का पाउडर, 1 टेबलस्पून कर्ड यानी कि दही और 1/2 टीस्पून हनी ऐड करके सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर रेडी हो जाएगा हमारा कलौंजी का फेस पैक। तो अब आपको इस पैक को पूरे फेस एंड नेक पर अप्लाई कर लेना है, और इसे अप्लाई करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है, और 15-20 मिनट बाद आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ऐसा आप वीक में बस 2 बार करके देखना, आपकी स्किन बहुत ही निखर जाएगा, साथ ही स्किन से दाग धब्बे दूर होकर स्किन बहुत ही यूथफुल एंड रेडिएंट हो जाएगा, क्योंकि कलौंजी में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज और विटामिन सी होता है, जो आपके स्किन डिस्कलरेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो ओके फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सारे रेमेडीज मेरे लिए तो 100% वर्क करता है, एंड आई होप आपके लिए भी 100% वर्क करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। एंड गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड आप नेक्स्ट
टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यार चलिए, मैं संचिता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।